Hare
فلم يشهدوا كيتنا قرنا شكنا في دول عاشين سربتوا بمنتم فاشعبي قاندوا مريكشن سمنتا بيتكان لك جودي مكرمين وما كرم وَمَاسْيَ مِشْوَاسْيَ بَرَمْ لِلْعَالَمْ وَمَاسْيَ يَشَاشْ وَفَدَرْ بَدُوْتَ سَنَاكَ نَسْوَمْ قُرْهُ مَتُوْمِي أَنَا بِمَدْحَانْ جَمَنَنْ شفي سوريا ليتنا أشعامي بامديك هدى شبطن سوبي لزاوي سوبي لن أغنطن جاوك بديو جيب من كرمي بيابتن ويكي نبي شسك سروا إشتاك بوطنبوك ومبيان كبيرا نوكت كيانك جريكم مراتما عميق وانسور شمراء زنبي شجانك
गीता जी का पाठ 16वां अध्याय श्लोक संख्या 13 से अध्याय समाप्ति पर्यंत। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुरमादनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु इदमाद्यमयालब्धे मनोरथम् इदमास्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मयाह च शत्रुर्हरिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगि सिद्धोऽहं बलवान् श्रुतिः आद्योऽभिजन्मानस्मि को योऽस्ति सरिषो मया यक्षेदास्यामि मोदिश्य नित्यज्ञानविमोहिता अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृता
سبتا کام بھوگیشو پتانتی نرکیشو چو آتو سمبھاوتا سبتا ونمان مدانیتا یجانتی نام ییستی جامدینا بدھی پوروکم اہنکارم بلم درکم کامم کورم سسنسیتا ماماتم پردیشو ردوشنتو بھیسویتا تانہم بشت اکوران سنساریشو نرادھمان خیبام یدس مشوران آسوریشو ویوریشو آسورین یومی ماپنا مورا جنمانی جنمانی ناما پراپیو کونتیو تتو یانتیر مانگتیو سبیدھم نرک سیدن دوارم ناشن ماتمنا کاما کرودھست تھالو بسواردیتا ترایم چگی ایتاید بی موکتا کونتیا سمو دواری سیر نارا آچارت یاتم نحسیا ستو یاد پرام گتی یا شاس لگدھی بوسیا वर्तते कामकारतो न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परांगति तस्माच्छास्त्रं प्रमाणन्ति कायकार्यव्यवस्थितौ या त्वा शास्त्रविधानोक्तम् कर्म कर्तुमिहारसि तस्माच्छास्त्रं प्रमाणन्ति कायकार्यव्यवस्थितौ या त्वा शास्त्रविधानोक्तम् कर्म कर्तुमिहारसि कर्म कर्तुमिहारसि ॐ तत्सत् श्रीवल्लभीवासुदेवानां वसुदं देवम् कंसचारूढमार्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे
राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 15 मार्च 1997 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम श्रेष्ठ भाग रहता है। मैं जिसका शिष्य हूँ, मेरे भाई संप्रदाय बड़ी है, हम सिद्धांत को मानते हैं वो बहुत ऊंचा है, हम जिस सत्संग में करते हैं उसे बड़ी ऊंची बातें होती है, हमारी बड़ी श्रेष्ठ है। ये जो मान्यता है ना, इस मान्यता पर विचार करें, अपने गहरा विचार करें। वो जिसको हम श्रेष्ठ मानते हैं, क्या अपने आचरण में वो बात आ गई? कहने में कह देते हैं, औरों के सामने बोलते थे हमारी बातें बहुत श्रेष्ठ है, हमारा विवेचन बहुत अच्छा है, हम बहुत बढ़िया बात कहते हैं, हम बहुत बात सुनते हैं, बढ़िया सुनते हैं। तो बढ़िया सुनते हैं, बढ़िया कहते हैं, बढ़िया मानते हैं, तो क्या हमारे आचरण में वो बातें आ गई? अगर नहीं आई तो बढ़िया क्या हुआ? केवल कहने सुनने से बढ़िया क्या हो जाता है? केवल कौन सुनने बढ़िया नहीं, बढ़िया तब हो कि आपके जीवन में आ जाए। और आपका बढ़िया कहने का हक तभी होता है जब अपने आचरण में आ जाए। आचरण में जब तक ना आवे तब तो उसको बढ़िया घटिया कहने क्या बात है, क्या बढ़िया हुआ? निज कविता की लागना नहीं की सर स्वरूप अथवा जो अपना भाव अच्छा लगता है, उत्तम लगता है, श्रेष्ठ लगता है, तो उसके अनुसार अपना जीवन होना चाहिए ना, अपने आचरण में होना चाहिए बात। अपने आचरण में नहीं आवे तो वह बात भाई बोली है सब, उस बात नहीं है। थोड़ा बहुत हम सत्संग करते हैं, सदविचार करते हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं, अपने संप्रदाय के अनुसार चलते हैं, वो उतना अच्छा है, परंतु तो बढ़िया नहीं है। बढ़िया तब हो कि वो आचरण सब हमारे आचरण में आ जाए, सब बातें हमारे जीवन में आ जाए। जीवन में आ जाती है तब तो वे व्यापक हो जाती है। ऊपर से अपने संप्रदाय बढ़ाने के लिए हरेक चेष्टा करता है, हम भी करते हैं, आप भी करते हो, आपको जो अच्छा सत्संग लगता है उसमें ले जाने के लिए आप चेष्टा करते हो, परंतु वो चेष्टा उतनी सफल नहीं होती जितनी आपके जीवन में आने से सफल होती है। जब तक जीवन में नहीं आई तब तक कह दो दूसरे को तो असर होगा, परंतु असली असर होगा जब आपके जीवन आ जाएगी, आपके आचरण में आ जाएगी, तब वो व्यापक हो जाएगी, बड़ा लाभ होगा। आपको लाभ होगा और अपने सिवाय दूसरों को लाभ होगा, अपने साथियों को लाभ होगा, अपने प्रेमियों का, अपने कुटुंबियों का लाभ होगा। तो कब होगा? अगर अपने आचरण में आवे तो सुनने की शौक है, ऐसे इससे ज्यादा शौक होनी चाहिए आचरण लाने की। सुनने कर संग्रह कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, बातें कह देते हैं, जैसे मैंने बहुत बातें याद कर रखी है, बहुत बातें कह देता हूँ, बहुत लोग राजी भी हो जाते हैं,
क्षमा भी देते, हम भी राजी हो जाते हैं। परंतु क्या हमारे आचरण में पूरी आ गई? अगर नहीं आई है तो क्या असंतोष है मन में? असंतोष अगर नहीं है तो फिर क्या आगे चलते हो? और जब तक संतोष न हो तब तक पूरी आचरण नहीं आई। पूरी आचरण में आने पर संतोष होना चाहिए, परंतु चलते हुए असंतोष भी उन्नति में हेतु है। असंतोष भी हेतु है उन्नति में, और अल्प में संतोष कर रहे तो बाद हो जाता है। सांसारिक चीजों में तो संतोष रखना चाहिए, और पारमार्थिक बात में असंतोष रखना चाहिए। नित्यनेम करते हैं तो नित्यनेम करके पूरा हो गया पर पति बात रख देते हैं, काम चाहे हो चाहे न हो। ये बात तो हरदम चाहिए। जिस तरह से धन के लोभी को धन कमाने के लोभ में तत्परता से लगना अच्छा लगता है, या लगता ही है। दूसरे अगर दुकान में दिन भर में 50 रूपये पैदा होता है और सुबह ही 50 हो जाए तो दुकान खुली रहेगा। इसमें 50 होते 50 आ गए, बंद करो, बंद करते। और पाठ जब जितना हुआ और समय के पाठ बंद बंद कर देते हैं। इससे सिद्ध क्या हुआ? अपने साधन में संतोष करते हैं, अपना नित्य कर्म में संतोष कर लेते हैं। इसमें संतोष करना नहीं चाहिए कभी। मैं तो यहां तक मानता हूँ कि अपने को तत्व ज्ञानी मान ले, सिद्ध पुरुष मान ले, तो हमें संतोष नहीं करना चाहिए। अपने आप संतोष हो जाए वो बात ही अलग है, संतोष करना नहीं चाहिए। और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, रात दिन तो उसी महाराज वृद्धि होती रहती है, अगर बढ़ता ही रहेगा वो। और संतोष कर लेगा तो वही रुक जाएगा। तो जीवन हमारा सिद्धांत के अनुसार होना चाहिए। हम गीता को श्रेष्ठ मानते हैं तो गीता हमारे आचरण में आनी चाहिए। जैसे कामना का त्याग है, भगवान का चिंतन है, खास बातें हैं गीता में, तो यह अपने आनी चाहिए। अपने कामना का त्याग हो गया तो क्या हमने कामना का त्याग कर दिया? क्या हमारा जीवन निर्विकार हो गया? क्या हमारे जीवन में भगवान का प्रेम हो गया? क्या भगवान के तरफ आकर्ष हो गए? क्या संसार से विरक्त हो गए? क्या राग द्वेष नष्ट हो गए? ये नष्ट अगर नहीं हुए हैं तो वही हम कैसे अकरार हो गए? हमारा सिद्धांत श्रेष्ठ है। मैं निषेध नहीं करता हूँ, अपने आप को स्वयं जानना चाहिए, इसमें विचार करना चाहिए। जब तक हमारा जीवन उस सिद्धांत के अनुसार न हो जाए तब तक उस सिद्धांत की प्रशंसा केवल करना क्या लाभ होगा? निंदा करने की तात्पर्य नहीं है, प्रशंसनीय वस्तु प्रशंसनीय ही है, परंतु विशेष प्रशंसनीय तब होगी जब अपने जीवन में आ जाएगी। और जीवन में आने पर प्रचार होता है ठोस, और केवल कहने से प्रचार होता वो पोला बोला होता, पोला बोला वो असर नहीं करती बात। जब तक हमारे जीवन में खुद में नहीं है तब तक कहना सुनना है भीतर में ठोस असर नहीं होता। जैसे बंदूक होती है एक बिना गोली की बंदूक जोर से एक गोली वाली होती है तो बिना गोली बोलती है धड़ाम से बोलती है, वो चोट थोड़ी करती है, गोली तो चोट करती है। इस तरह से आचरण होता है वो जबान असर करती है, उसका असर पड़ता है। तो बीच में ठोस चीज है, पक्की चीज है, और आचरण में नहीं है कोई कहे तो शब्द तो होता ही, बंदूक का शब्द तो होगा ही, होने पर भी अगर चोट नहीं करती, चोट करती है वो ही जो भीतर में भाव अपने अनुभव में हो। अनुभव में कैसे होती है? देखो एक बात बताएं, संसार बहुत बड़ा दिखता है, जैसे इतना सुंदर बड़ा दिखता है हमारे सामने, परंतु ये बड़ा है देखते हम दृष्टि से, दृष्टि दिखती है छोटी, और ये समुदाय दिशा बड़ा, परंतु समुदाय छोटा है दृष्टि बड़ी है। हमारी दृष्टि में सब आ गए, सब हमारी दृष्टि के अंतर्गत आ गए, दृष्टि व्यापक हुई। आप वो दीवालों सही दशा में देखते हैं, छाया हुआ है,
पक्ष दीवानों को आप वो शब्द देता है तो दृष्टि बड़ी हुई ना, तो दृष्टि बड़ी है दृष्टि छोटा है। जैसे दृष्टि बड़ी है ऐसे दृष्टि भी जिस मन के अंतर्गत आती है वो मन बड़ा है। दृष्टि में तो दृश्य ही समझ आता है पर मन में शब्द कहना और शब्द सुनना ये भी आता है, अर्थ कहना और अर्थ सुनना, इतनी बातें सब अबार मैंने कही तो ये बातें मन में आती है दृष्टि में नहीं आती है, मन के अंदर आती है। और मन से बड़ी है बुद्धि निश्चय करने वाली, तो बुद्धि में सिद्धांत भरा हुआ है, चार से बहुत भरे हुए हैं, तो सिद्धांत में बुद्धि सबसे बड़ी है। इंद्रियों ने परम्या इंद्रिय में परम मन से परा बुद्धि, और बुद्धि से आम मैं बड़ा है क्योंकि बुद्धि मेरी नहीं है, मैं बुद्धि का नहीं, मैं बुद्धि का नहीं हूँ, मेरी बुद्धि है तो मैं मालिक हुआ बुद्धि नहीं हुई। और बुद्धि आदि ये लीन हो जाता भी मैं रहता हूँ, सुषुप्ति में अहम भी लीन हो जाता है परंतु मैं रहता हूँ, मैं सुख से सोया पता ही नहीं था कुछ मेरे को, तो कुछ पता नहीं था, ये पता होने से आप जो स्वयं है वो अनंत सृष्टियों से बड़े हैं। आप स्वयं दिख देंगे, मैं तो शरीर के भीतर हूँ, ये शीतल भीतर मानना है ये गलती है। आप स्वयं संसार से बड़े हैं, अहम छोटा है, अहम संसार छोटा है, पर अहम को जानने वाले आप मैं हूँ, तो मैं जागृत में रहता है स्वप्न में रहता है सुषुप्ति में मैं नहीं रहता है, परंतु आप रहते हैं तो आप स्वयं क्या हो, नित्य हो, सर्वगत हो, स्थान हो, असलोयम सनातन अव्यक्त होयम अचिंत होयम अविकय होयम सिरे ख्याल नहीं बात। तो कई जितने अहम है सबके सब मेरे अंतर्गत है। भगवान ने अपरा प्रकृति बताई, परा प्रकृति बताई, तो परा के बीच में मन बुद्धि भी आ गए, अपरा भी सभी। अब अपरा में भूमि आपा अंगल वायु खंग मना बुद्धि अहम, इसे सबसे श्रेष्ठ अहम, अहम के अंतर्गत सब आ गए सातों। और ये अहम भी आ गया जीव भूत महाभारी थे जगत, जगत धारण करना है अहम को, अरे अहम को धारण किया है आपने, आप फरा प्रगति, तो आप बहुत बड़े हैं, तो बहुत बड़े हैं इसमें आप आसन आ जाएगा तो वो आसन व्यापक हो जाएगा। आसन आना से खुद में, जैसे खुद में अपने आप को माना है मैं गृहस्थ हूँ, मैं साधु हूँ, मैं विवाहित हूँ, मैं कुंवारा हूँ, ये रूपा है ना, ऐसे मैं भगवत भक्त हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ, मैं योगी हूँ, जो साधन करते हैं अपना उस साधन के साथ अपने प्रति एक तो होनी चाहिए। वो केवल अहंकार में नहीं, अहंकार में तो अभिमान आ जाएगा, अभिमान आ जाएगा तो आशी संपत्ति आ जाएगी। अहंकार में हमारी सत्संग बहुत बढ़िया है यार भाई, हमें सदन से सुना है हम हाई क्लास के हैं, मुंबई में सदन ने कहा तो भी हम हाई क्लास के बैठे हैं, मन ब्रह्म है अध्यात्म ब्रह्म, वो ब्रह्म की चर्चा वो हाई क्लास की है, तो चर्चा तो हाई क्लास की है, जीवन में किस क्लास में हो ये सोचना है अपने को। जीवन में हाई क्लास में हो गए तब ठीक है, जीवन में राग द्वेष होता है, हर्ष शोक होता है, पैसों के गुलाम हो जाते हैं, मान बड़ी के गुलाम हो जाते हैं, भोगों के गुलाम हो जाते हैं, भोग के वश में हो जाते हैं, तो हमारा बड़ापन कैसे रहा, हमारा बड़ा बड़ी क्लास में बड़ा सत्संग कैसे रहा, जब हम तुच्छ चीजों के वश में हो जाते हैं, भोगों के वश में हो जाते हैं, राग और द्वेष के वश में हो जाते हैं, कोई आदर के तो राजी हो जाते हैं, निराद के नाराज हो जाते हैं हम खुद, तो आप खुद तो अभी बहुत छोटे बैठे हैं ना, आपका स्वरूप तो बहुत बड़ा है, उसमें राग द्वेष ना हो, हर शोक ना हो, उसे जितना ही विकार कम होता है उतनी वो चीज आपके आचरण में आई है।
तो सत्संग जाना विकार कम होते हैं, ये तो मेरी धारणा है, मैं मानता हूँ। मन कम से संतोष नहीं करना चाहिए, जब तक ये मिट न जाए तब तक संतोष नहीं करना चाहिए। अगर ये नहीं होना चाहिए ये कैसे मिटे। जितना सत्संग में गहरा समझेगा उतना भीतर बात बैठेगी वो, और बैठेगी उतना राग द्वेष कम होगा, हर्ष हो गया राग द्वेष हर्ष हो चार चीजें, एक तो मन का खिंचाव और एक मन की वो कहते हैं क्या, मन का खिंचाव हो जाए वो व्यक्ति एक एक रति मानो रति हो उपलब्धि हो, मन अवगुणों से उपलब्धि हो, गुणा में रति हो, खिंचाव हो, उनसे उपलब्धि हो, आकर्षण विकर्षण, तो ये जब जितना अधिक होगा उतने हमारे वो आचरण में आई चीज, तो इस बात की जब ख्याल करना चाहिए। इस ख्याल करने में अपनी कसौटी लगाने में पहले हमारे क्रोध कितना आता था, पहले राग कितना होता था, तो क्रोध की ये बात है कि क्रोध में तीन बात है, पहले क्रोध जल्दी जल्दी आता था, सत्संग में भजन ध्यान करते हुए क्रोध उतना जल्दी नहीं आता, कुछ देरी से आता है। दूसरी बात, क्रोध आता था बड़ा जोर से आता था भव का, पहले राग कितना होता था, तो क्रोध की ये बात है कि क्रोध में तीन बात है, पहले क्रोध जल्दी जल्दी आता था, सत्संग में भजन ध्यान करते हुए क्रोध उतना जल्दी नहीं आता, कुछ देरी से आता है। दूसरी बात, क्रोध आता था बड़ा जोर से आता था भव का, और उतना जोर से नहीं आता। तीसरी बात, जितना क्रोध ठहरता था जारी देर तक उतनी देर नहीं ठहरता, ये बात मेरे समय में सत्संग की फिर आएगी ही जरूर, अगर नहीं आती है तो भीतर से सत्संग करता नहीं है, क्यों नहीं कुछ सुनता है तो वो सीखता है, सीखने से काम नहीं बनेगा, अपने आचरण में आने से बनेगा काम, तो ऐसा फर्क पड़ेगा ही। इसमें जो जो कम हो जाएंगे दोष और गुण ठीक होते रहेंगे ठीक हो जाएगा। इसमें एक सिद्धांत की बात है, नित्य तो है हमारे गुण, गुण है सदगुण और असदगुण है असद आचार, वो सदाचार, तो सत है वो नित्य है, असत है वो अनित्य है, ना सतो विद्यते भाव, असत का सत्ता विद्यमान नहीं है, ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव विद्यमान नहीं है, परंतु आचरणों में हमारे दुर्गुण दुराचार दूर ज्यादा होना चाहिए। मूल में कारण अज्ञान है, परंतु हमारे बंधन में कर्म है राग द्वेष है, राग द्वेष है, उसमें भी राग कम होना चाहिए फिर द्वेष कम हो जाएगा, राग कम होगा तो द्वेष कम हो जाएगा, राग द्वेष है अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश क्लेश, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश क्लेश, पांचों क्लेश है, इनमें एक ही स्थूल है, तो अविद्या होती मूल, कुछ अस्मिता है फिर राग है फिर द्वेष है, तो अस्मिता का अहम, ये अहम पहले जैसा है कम हुआ ज्यादा हुआ, पहले अपमान करने पर कितना असर पड़ता था, अभी भी अपमान करके कैसा असर पड़ता है, पहले सम्मान आदर कितना प्यारा लगता था, आज कितनी उससे उपलब्धि है, ये खास ख्याल करने की बात है। साधन अर्जित होगा ठीक होगा तो ये सब जरूर होगा, निसंदेह होगा, जितना सहरा विचार करेगा गहरा उतरेगा तो ये कम होंगे, नहीं हो तो सोचना चाहिए कि क्या है बात है। जैसे कुआ चलता रहे और खेत में पानी न पहुंचे, क्या कर रहे हैं, वो धोरा बनाया गया कुंडली बनाई जाए, वो धोरा बनाया हुआ है तो यहाँ से पानी चलता है, खेत में नहीं पहुंचा तो कहीं कहीं बीच में कोई बिल आ गया टूट गया हो गया होगा, नहीं तो कुआ चले पानी पहुंचा नहीं खेत में। ऐसे सत्संग जब करते हैं हम तो हमारे आचरण बात आनी चाहिए,
नहीं तो खेत तक क्यों नहीं पहुंचे। कहते भी है, सुनते भी है, विचार करते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं, तो उसका असर पढ़ना चाहिए। असर नहीं पढ़ना है, पढ़ता है तो गलती है। अगर वो कम पढ़ता है तो कम पहुंचा भीतर में कोई ना कोई रुकावट है, कोई छेद है, कोई कोई गलती गिरता है वाणी। तो इस तरह से सोचना चाहिए। तो सत्संगियों के लिए विशेष ध्यान देने की बात है, क्योंकि देखो आप सत्संग करते हो तो आप तो ठीक होना ही चाहिए, पर तो लोग भी आपसे अच्छाई की आशा रखते हैं। लोग भी अच्छे व्यवहार की आशा रखते हैं कि सत्संग करने वाले हैं। अगर उनके साथ बुरा बर्ताव होता है तो आप सत्संग में बाधक होते हैं। ये सत्संग करने वाले देखो, ये गीता पढ़ने वाले देखो, ऐसा काम करते हैं तो क्या फायदा है इसमें, सत्संग में क्या है। तो सत्संग से अरुचि पैदा होती, उल्टी गलती करते हैं। अरे अपने साधन अच्छे हो जाए, बर्ताव अच्छा हो जाए, आत्मसंग साधन ठीक हो, उनके आदर सत्कार का ठीक तरह से, तो उन पर असर पड़ेगा। तो सत्संग करने से फायदा होता है। उनके ऊपर थोड़ी बातें दे दे, उनके ऊपर ज्यादा मात्रा से उनका असर पड़ेगा, कम मात्रा से उन पर असर, अपने पर असर पड़ेगा। अपने पर असर पड़ता है वो ज्यादा होने से दूसरों पर असर पड़ता है। तो दूसरे पर पड़े ना पड़े, पर कम से कम अपने पर तो पड़ना चाहिए ना। हमारा विचार कैसा होना चाहिए, हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, हमारा आपस में व्यवहार कैसा होना चाहिए। दूसरे का तिरस्कार होता है, दूसरे का अपमान होता है, दूसरे को दुख होता है हमारे व्यवहार से, तो बहुत गलती है हमारे में। इसका सुधार उत्सव के साथ प्रेम का बर्ताव हो, आदर का बर्ताव हो, हित का बर्ताव हो, सबके कल्याण का बर्ताव हो, तो हमारे भी बहुत लाभ होगा। दूसरों के लाभ में हमारे लाभ है और हमारे लाभ में दूसरों को लाभ है। आपका और संसार लाभ दो नहीं है, क्योंकि मूल सृष्टि एक है, मूल जड़ता सब एक, चेतनता एक, ईश्वर एक, अपरा प्रकृति एक और परा प्रकृति एक और ईश्वर एक। तो हमें लाभ होगा तो और लाभ होगा ही। बातों से कितने कह दो लाभ नहीं होता, सुधार कर ले तो कहने वाला एक है तो एक में तो लाभ होगा, अरब आदमी में भी एक में लाभ होगा। एक पैसा भी अरब अरब रुपयों का अंश है, छोटा 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 हो, छोटा छोटा। इस बात से हमारे एक में थोड़ा लाभ हुआ तो लाभ हुआ। और हमारा संग करें, हमारी बात सुने, हमारी बात माने, तो उनमें तो अच्छाई अधिक आनी चाहिए। नहीं आई तो क्या करना, हमारे गलती एक ही गई। वक्तुर तजाडिय श्रोता यत्र बुद्धते, जहाँ श्रोता को ज्ञान नहीं होता वहाँ जड़ता भी, जड़ता का पकता भी है। हम कहते तुम मूर्ख समझते नहीं, तो हम तो मूर्ख पहले मान लेते हैं। जब आप ये बात सुनते हैं तो हमारे को अनजान भी सुनते हैं, अनजान तो है ही, फिर हम ही होगा तुम अनजान हो तो नहीं, क्या बात कहते पुण्य तुम्हें। अनजान है तभी तो उनको जानने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है तो जानोगे तो जानना पड़ा हो भाई। तो समझे नहीं तो समझाने वाले की गलती है। तो जिसका सत्संग करते हैं ठीक नहीं होते हैं, तो आप दूसरा कोई समझदार दोष देगा तो जिसका सत्संग उसको दोष देगा। नहीं तो सूर्य क्यों नहीं, इतना दिनों से सत्संग करते हैं, इतना महीनों से सत्संग करते हैं, इतने वर्षों से सत्संग करते हैं, तो शर्म अपने को भी आनी चाहिए कि लोग क्या देखेंगे, क्या समझेंगे, क्या उन पर असर पड़ेगा। तो लोगों के लिए नहीं है, अपने लिए। लोगों पर क्या असर पड़ता है, तो लोगों पर अच्छा असर पड़े इसके लिए नहीं। हमारे आचरण क्या हुए जो लोगों पर बुरा असर पड़ता है, लोगों पर असर डालने के लिए नहीं। लोगों पर डालने का वक्ता होता है, गाने वाला होता है, बजाने वाला होता है, सुनाने वाला होता है, उसकी बात कहती दूसरों पर असर पड़े, पर ये साधक का काम नहीं है। साधक का काम है हमारे अच्छे आचरण नहीं हुए तो कैसे असर पड़े। तो दूसरों का असर नहीं पड़ता है तो हमारे कमी है। अब कहाँ कमी है इसका क्या पता,
इस वास्ते हमें अपने आप को सोचना है, अपने आप को खूब गहरा विचार करना है, तो दूर विचारों को दूर करना है अपने। और विचार करोगे तो फायदा होगा ही। नियम है, क्यों है नियम? क्योंकि मनुष्य जाति है ना, मनुष्य में विवेक की ही प्रधानता है, बल तो पशुओं में ज्यादा है, हाथी है, घोड़ा है, भैंसा है, बल तो बल ज्यादा है उसमें, परंतु विवेक शक्ति नहीं है इतनी। गौ बहुत उत्तम प्राणी है परंतु विवेक शक्ति नहीं है। पशुओं में विवेक शक्ति कितनी है? ये खाने की चीज है, खाने की नहीं है, ये गांव लगता है तो सारा में चले जाएंगे, ठंडी लगती है तो गर्मी चले जाएंगे, इतना ज्ञान है। वर्षा अच्छी नहीं लगती तो ओठ में चले जाएंगे, ये ज्ञान तो है। परंतु उद्धार कैसे हो, जीव का कल्याण कैसे हो, मुक्ति कैसे हो, जन्म मरण कैसे मिटे, ये नहीं। ये ज्ञान मनुष्य में है, तो ये ज्ञान मनुष्य में होते हुए मनुष्य जो ज्ञान का विकास नहीं करता है, ये गलती है। ये विकास करना विनाश करना अपने हाथ की बात है। विकास कैसे होगा? जो जो आप बात सुनते हो और अच्छी लगती है वो आचरण में आने लग जाए, विकास हो जाएगा, होगा ही विकास। नहीं होता है तो वो अच्छी बात मिली नहीं है, तो आपने मानी नहीं है, मिली नहीं है तो वक्ता का दोष हुआ, मानी नहीं है तो अपना दोष हुआ। नहीं तो क्यों नहीं विकास होना चाहिए? नियम है ये, और खुद विकास होगा जरूर। जो विचार करेगा, शास्त्रों को पढ़ेगा, सिंह सोचेगा, भजन स्मरण करेगा, सत्संग करेगा, तो उसकी उन्नति जरूर होगी। तो संत महात्मा है, भगवान है, वो क्या समझेंगे? अगर हमारे विचार नहीं है तो दूसरे लोगों के सामने का हमारा सिद्धांत अच्छा है, हमारा सत्संग अच्छा है, हमारे महाराज अच्छे हैं, हमारे पंडित जी अच्छे हैं, हमारे गुरु जी अच्छे हैं, तो अच्छे करने से क्या हुआ? तुम कितने अच्छे बने? एक बात सुनी मैंने कि दुबला दुबदाई है, तो फिर वो क्या मिला? दुर्दाई एक बात सुनी तेरू क्या मिला? मानो ध्रुव जी उद्धार हो गया, प्रहलाद जी उद्धार हो गया, बड़े बड़े भक्त हो गए, हो गया अच्छे मन, तेरू क्या मिला? तेने क्या लिया? क्या उत्तर है इसका? अच्छे हो तो अच्छे ही हुए, नाम लेना भी फायदे की बात है। संतों का, भक्तों का नाम लेना भी पुण्यात्मा, पुण्य पर पवित्रता है, परंतु वे उनका उद्धार हो गया। तेरी क्या बात में एक कहा होता थी, आज पूछा कि तेरा ब्याह हुआ कि मेरा तो नहीं, हमारे भाई दो भाई है, तेरे रोटी कर देगी मेरे, क्या होता है तेरा भाई दो, क्या बात, क्या बात, क्या फायदा? फायदा तेरे को रोटी करके देगी कि नहीं देगी इसका पता नहीं है। ऐसा हमारे महाराज बहुत अच्छे हैं, हमारे महाराज बहुत जानकार है, और तेरे में कितनी यही अकल, हमारे बहन भाई भाई दो क्या है, क्या फर्क पड़ा बताओ? तेरे को रोटी खुद उगड़नी पड़ेगी तो अच्छा। तो ऐसे हमारे महाराज बड़े अच्छे हैं, हमारे महाराज जी अच्छे हैं। ये कहने अधिकारी तभी होते हैं कि जब हम लाभ ले लें, हमारे कुछ फर्क पड़ा तो कैसे, बिना फर्क पड़े भी कहना मैं पाप नहीं समझता हूँ, पर तो आप हकदार नहीं है। अच्छा कहने का हकदार कैसे हुए? हकदार तो तुम होते हैं, हमारा आश्रम ठीक हो जाए। तो सत्संगी मात्र को सावधान ज्यादा होना चाहिए। जिनको सुनने को नहीं मिलते, वे आचरण अच्छे न करें तो सुनाना नहीं है इतना, जितना उदाहरण वास्तव में सुनते हैं काम में नहीं लाते, आदर करते हैं फिर भी काम में नहीं लाते, तो विशेष आदर करना चाहिए। विशेष आदर करोगे तो जरूर काम में आवेगी, इसमें संदेह नहीं है, इसमें संशय की बात नहीं है। जितना आप आदर करोगे उतना काम आवेगा। श्रद्धावान रहते ज्ञान तत्पर संगीत इंद्रिया, श्रद्धा विश्वास होगा
तो तत्परता होगी, तत्परता होगी तो इंद्रिया वश में होगी, बाह्य बल का हो जाएंगे, अवगुण आते गे, सब बातें हमारे शरीर निकलेगी, अच्छा ही आओगे, सत्य निश्चित बात है। इन सब में क्या है, अवगुण क्या है, गुणों की कमी का नाम ही अवगुण है, दया क्या है, क्रूरता की कमी है, अवगुण अवगुण क्रूरता क्या है, दया की कमी है, मानी गुणों की कमी का नाम दोष है, गुण आते आते दोष मिल जाएंगे, क्या दोष दोष है तो असत है ना, सतो विद्य भाव से भाव विद्यमान है ही नहीं, भाव तो गुण का ही विद्यमान है, तो उनमें जितनी गुण की कमी होगी उतना दोष होता है, दोष आएगा अगर गुण बढ़ जाएगा तो दोष मिल जाएगा, ठीक हो जाएगा। इस वास्ते हमारा आचरण ठीक होना चाहिए, व्यवहार हमारा ठीक होना चाहिए, चित्त में शांति संतोष आनंद ये होना चाहिए, चित्त में एक लगन रहे, चित्त में एक चिंता होती है, एक भूख होती है, तो चिंता ना करो, भूख लगनी चाहिए, भूख और विराजन और मिले और मिले, जिस तरह से सत्संग करने वालों के मन में एक भूख है सत्संग की, तो भगत पर आपको खेत लेती है भूख, सत्संग आ जाते हैं, उससे भी ज्यादा भूख होनी चाहिए आश्रम में लाने की, ऐसी भूख होनी चाहिए आश्रम में लाना है। अब इस बात को काम में लाना है तो जरूर आती काम में, नारायण पचास हो गई तो भूल भी रह गए, पचास मिनट हो गए, कोई बात नहीं, दो शब्द आया मेरे सरप्राइज का, अधिक क्रीड़ के बालों के खेल छोड़ दे, दोनों बहुत थोड़ी है, हमें याद है बचपन खेल बहुत प्यार लगता था, पढ़ाई ऐसी प्यार नहीं देती थी।